तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज़ YTD शक्ति। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि उप्सल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटिव। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जस्ट सुबह में जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि उनका नो रिकॉर्ड फॉर्म्स आ रहा है, OTP के प्रोसेस तक ही नहीं जा पा रहे हैं वो लोग। ऐसे में वो कौन सी ऐसी त्रुटि कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि वो उनकी OTP नहीं आ रही है या नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, तो उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए विजिट किए अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हम इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा समय का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में आ जाइएगा, अपने गूगल बॉक ओपन करके आपको सर्च करना यूपी स्कॉलरशिप। सर्च कर देंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश लिख के आएगा सर, जो पहली साइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल के ओपन होगा, जो स्कॉलरशिप की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, खुल के ओपन हो जाएगी। ड्रैग करके आपको नीचे आना है, यहाँ डैशबोर्ड लिखा गया आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख के आ रहा है अपने भुगतान की स्थिति जानने के लिए क्लिक करें, तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा, जैसा कि मैंने जो अभी सुबह में वीडियो अपलोड किया था उसमें आप सभी को बताया था। देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, यहाँ पे आ रहा है पहला ऑप्शन बैंक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो भी बैंक रहेगा उसका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैंने आप सभी को बताया था, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपना जो भी बैंक रहा है, बैंक का नाम है, ऐसे डायरेक्ट वो टाइप कर दे रहे हैं। जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो जैसा भी जिन लोग का जो अकाउंट है वो क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो लोग टाइप कर दे रहे हैं अपने बैंक को, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपका 100% नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा आपका जो है। जब आप कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं बताएगा, अदर्स इरर आते रहेंगे, प्रॉब्लम आएगी, नो रिकॉर्ड फाउंड या कुछ भी बताएगा आपको। तो आपको करना क्या है, आप अपने जो आपका बैंक का नाम है सबसे पहले उसको ध्यान दीजिए, जो भी आपका बैंक का नाम है उसका थोड़ा सा जब आप लिखोगे नाम तो आपको ऐसे लिस्ट आ जाएगी नीचे चूज करने के लिए, आप सभी देख सकते हैं चूज करने के लिए आया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से बैंक, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो यहाँ से मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया इंटर अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर में आपको करना क्या है, अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे भी आप अपने यहाँ पे देखा कि इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से आप यहाँ से आप अपने अकाउंट नंबर को डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वर्ड वेरिफिकेशन, यहाँ से कैप्चा कोड जो आपका है वो डालिएगा, पे देख सकते हैं कैप्चा कोड आपका है 35f702, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि उनका जब भी वो सर्च कर रहे हैं तो उनका क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो ये लिंक है अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, PFMS के मेन ऑप्शन जो इसकी साइट है उस पर अपडेट नहीं किया गया है। इसीलिए जब आप यहाँ से आके डायरेक्ट चेक करोगे तो आपका जो आप यहाँ पे सब चीज़ सही फील करोगे, लेकिन आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो नंबर नॉट फाउंड बता देगा। तो आपको इस तरीके से चेक नहीं करना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिछले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा था, आप वहां से ओपन करिएगा। तो मैं अपने लिंक के द्वारा एक बार, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके द्वारा एक बार ओपन होता हूं, उसके बाद चेक आप सभी को दिखाता हूँ कि आसानी से सेम प्रोसेस यही रहेगा, चेक करेंगे और ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ आप सब आपके सामने क्रॉस।
तो आप सभी देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है यहाँ पे कॉपी करके मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमको कर देना है सर्च। सर्च करने के बाद सेम वही पेज आपके सामने इंटरफेयर मतलब इंटर होकर ओपन गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा बैंक था बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। चूज कर लीजिएगा, आप जब भी अपने बैंक का नाम डालेगा तो चूज करके यहाँ पे छोड़िएगा, टाइप पूरा बैंक का नाम टाइप मत करिएगा, थोड़ा सा टाइप करके चूज करिएगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट, यहाँ पे डालेगा अकाउंट नंबर, यहाँ से दोबारा कन्फर्म करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा नंबर दिया गया है, यहाँ पे डाल दीजिएगा 68A120 डाल देंगे। सेंड OTP पे मैंने क्लिक किया, आप सभी देख सकते हैं नीचे मैसेज आ चुका है, ठीक है, आ चुका है OTP फॉर नाउ पेमेंट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा। और देख सकते हैं आप मेरे पास OTP भी आ गई। यहाँ से मैं कर लेता हूँ OTP को रिसीव, ठीक है। 85 71 25 85 71 25 85 71 25। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना। आपको देख सकते हैं आपका जो भी है यहाँ पे का दर्दन, और इधर जो आपका बैलेंस आया रहेगा वो हो जाएगा 100, ठीक है। वीडियो से रिलेटिव अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हाँ, जब भी आप यूज़ करें तो आप मेरे इस लिंक के द्वारा ओपन हो, तभी जाके आपका ओपन होगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम रहेंगे, नोट कार्ड फाउंड आएगा, परेशान रहेंगे, ठीक है। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।